हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ट्रैवल यात्रा में और थाईलैंड सीरीज के एक और नए वीडियो में। अगर आप थाईलैंड के ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो जैसा कि आप सबको पता है अभी इंडियंस के लिए वीजा वगैरह तो फ्री है, बट सबसे पहला चीज थाईलैंड के ट्रिप के लिए आपको करना होता है कि आप अपना शेड्यूल वगैरह देख लें और सबसे पहले आपको अपना टू एंड फ्रो फ्लाइट बुक कर लेना चाहिए। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप सबसे पहले अपने थाईलैंड के ट्रिप के लिए अपना फ्लाइट बुक कर ले, देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे चीपेस्ट फ्लाइट इंडिया से अगर आप थाईलैंड के लिए बुक करना चाहते हैं तो ये आप कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि लगभग 7 से 7.5 हज़ार रुपए के कॉस्ट में आप पर पर्सन वन वे फ्लाइट बुक कर सकते हैं विद चेक इन लगेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 kg और आपका कैबिन लगेज 7 kg का तो होता ही है। और मैं आपको ये पूरे प्रूफ के साथ लाइव डेमो दिखाकर पूरा बुकिंग का प्रोसीजर बता दूंगा। तो चलिए फिर इंडिया से थाईलैंड के लिए सबसे चीपेस्ट फ्लाइट के बुकिंग के सारे प्रोसीजर्स, रूल्स और सब चीजों की पूरी डिटेल में जानकारी के लिए अगले कुछ मिनटों तक बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमने रिसेंटली थाईलैंड का ट्रिप कंप्लीट किया है और मेरा जो फ्लाइट का बुकिंग था वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अप्रोक्सीमेटली 7,200 रुपीस पर पर्सन का कॉस्ट लगा था। तो हम दो लोग थे तो हमारा जाने का हुआ था अप्रोक्सीमेटली 14,000-14,500 के आसपास और इसी तरीके से आने का भी यही सेम रेट पड़ा था। तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 के अंदर अंदर हमारा पूरा फ्लाइट बुकिंग हो गया था। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ रूल्स है जिन्हें आपको सबसे पहले फॉलो करना है। तो ये जो रूल्स मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहला रूल है कि आपको आपका जो ट्रैवल प्लान है वो एटलीस्ट 1 to 1.5 months पहले ही प्लान करना है। आप एकदम 15-20 दिन पहले या हफ्ता भर पहले अगर प्लान करेंगे तो आपको चीपेस्ट फ्लाइट नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 1.5 months आपका एडवांस प्लानिंग होना चाहिए, उससे ज्यादा हुआ तो और अच्छी बात है, बट मिनिमम 1.5 months शुड बी देयर। सो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। अब इसके बाद दूसरा रूल ये है कि आपके जो डेट्स है जाने के और आने के ये थोड़े फ्लेक्सिबल होने चाहिए। आपको स्पेसिफिक डेट की मुझे इसी तारीख पे जाना है तो वो आप अगर फिक्स करते हैं तो भी आपको रेट्स में थोड़ा हायर फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। बट अगर आप अपना डेट एक दो दिन आगे या पीछे फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं देन यू विल गेट अ वेरी गुड फ्लाइट रेट्स। देन थर्ड रूल कि डोंट फॉल इन ट्रैप, क्योंकि अगर आप जब बुकिंग करते हैं आपको सारे फ्लाइट्स के रेट अगर 8, 9, 10 हज़ार ऐसे दिख रहे हैं, अचानक से एक फ्लाइट आपको बीच में कोई 5 हज़ार का दिख रहा है तो उस ट्रैप में मत फंसिए। कभी कभी इसमें क्या होता है कि आपका चेक इन लगेज होता ही नहीं है, ओनली आपका कैबिन लगेज जो आपका हैंड लगेज होता है जिसका 7 kg या फिर 5 kg का अलग अलग फ्लाइट में अलग अलग डिनोमिनेशंस होते हैं तो उतना ही आप कैरी कर सकते हैं, बाकी आपका इसमें चेक इन लगेज इंक्लूडेड नहीं रहता है। और आप जब जाएंगे वहां पर और आपके पास अगर चेक इन लगेज है तो वो पर किलो 500 रुपीज या फिर उससे भी ज्यादा का चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आप भले ही 5,000 का फ्लाइट बुक कर लिए हो लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे नॉर्मल जो प्राइसेस आपको दिख रहे थे 8-9 हज़ार का उससे भी ज्यादा पे करना पड़ सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके फ्लाइट्स कनेक्टिंग रहते हैं, एक कनेक्टिंग फ्लाइट भी हो सकता है, कभी कभी दो कनेक्टिंग फ्लाइट्स होते हैं और उसके बीच में जो बफर टाइम होता है वो काफी लंबा होता है। तो ये सारी चीजें छोटे मोटे ट्रैप्स वगैरह होते हैं कभी कभी बुकिंग के टाइम में, सो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो डोंट फॉल इन ट्रैप। अब अगला जो चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप थोड़ा ऑड टाइम में ट्रैवल करने के लिए प्रिपेयर रहिए, तभी आपको जो फ्लाइट कॉस्ट है थोड़ा बहुत चीपेस्ट रेट में मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग अपने कंफर्टेबल टाइम चुनते हैं, जैसे मुझे अगर इवनिंग 5-6 बजे का फ्लाइट मिल जाए तो बेटर रहेगा, 2-2.5 घंटे में मतलब 8-9 बजे रात के मैं पहुंच जाऊंगा बैंकॉक और वहां पर मैं होटल वगैरह बुक कर लूंगा, सो दैट विल बी अ प्रिफर्ड टाइम। या फिर बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मॉर्निंग के टाइम 7-8-9 बजे के आसपास अगर मुझे मिल जाए फ्लाइट तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। बट मैं आपको बता दूं कि ये सब प्राइम टाइमिंग्स जो होते हैं, सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, इवनिंग का टाइम, तो इन सब टाइम्स में जो फ्लाइट्स के रेट्स हैं थोड़े हाई होते हैं। बट ऑन अदर हैंड अगर आप रात के 2 बजे का कोई फ्लाइट दिख रहा है आपको या फिर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे का फ्लाइट दिख रहा है तो ये सब फ्लाइट जो है थोड़े कम रेट में मिलते हैं। तो इट्स बेटर इफ यू वॉन्ट अ बजटेड प्राइस रेंज फॉर योर फ्लाइट यू गो फॉर दिस टाइप ऑफ ऑड टाइमिंग्स। क्या है, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर ही सकते हैं। अगर आपको मॉर्निंग का फ्लाइट है तो मेक श्योर दैट यू गेट एनफ स्लीप बिफोर दैट, और उसके बाद जब आप बैंकॉक में लैंड कर जाते हैं
होटल में जाइए, फर्स्ट हाफ में कहीं घूमने का प्लान मत कीजिए, थोड़ा 3-4 घंटा रेस्ट कर लीजिए। या फिर आपका अगर बहुत लेट नाइट का फ्लाइट है तो वो आपको एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुंचा देगा, मान लीजिए सुबह के 2-3 बजे पहुंचा देता है, तो थोड़ा देर वेट कीजिए एयरपोर्ट में, 2-3 घंटा वेट कीजिए, जैसे 4-5 बजेगा उसके बाद आपको ट्रेन्स बसेस बाकी चीजें मिलने लगेंगी। सो इस तरीके से अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं देन यू विल गेट अ बेटर प्राइसिंग। अब नेक्स्ट रूल, डोंट बुक योर फ्लाइट्स ऑन स्पेशल डेट्स, जैसे कोई फेस्टिवल हो गया या फिर कोई स्पेशल ओकेशन हो गया, जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, 15 अगस्त, दिवाली, दशहरा, इस तरीके का कोई टाइम है, तो इस टाइम आपको भले ही आप 2 महीना पहले बुक कीजिए, 3 महीना पहले आप ट्राई कीजिए, आपको इन डेट्स में फ्लाइट के रेट्स हाई ही मिलेंगे। और एट द सेम टाइम आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वहाँ का भी जो फेस्टिवल्स है उन्हें भी ध्यान रखिए। जैसे आप चाइना वगैरह ट्रैवल करते हैं तो चाइनीज न्यू ईयर वगैरह होता है, देन यूके, यूएस, यूरोप, इस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो उन फेस्टिवल्स में भी भले ही आपके इंडिया में कोई फेस्टिवल ना हो, वहाँ पे अगर फेस्टिवल है तो उस टाइम भी आपको फ्लाइट्स के रेट हाई मिल सकते हैं। तो आप जिस डेस्टिनेशन में ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ के भी ऑस्पिशियस डेज या फिर जो स्पेशल डेज है उनका ध्यान रखिए, और हमारे यहाँ पे इंडिया में भी जो फेस्टिवल्स या फिर स्पेशल डेज है उनका ध्यान रखिए। और उन दिनों में अगर आप बुक ना करें आपका फ्लाइट और उनके 2-3 दिन बाद का या पहले का अगर आप फ्लाइट देखते हैं तो ही आपको बजटेड रेट में फ्लाइट मिल सकते हैं। अब लास्ट थिंग जो आपको बजटेड फ्लाइट के लिए ध्यान देना चाहिए कि ऑलवेज चेक फॉर डील्स। ऐसा नहीं कि जो भी आप फ्लाइट देख रहे हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट में गए और आपको लगा कि ये तो जेन्युइन है और यहाँ से मैं फ्लाइट बुक कर लिया, दैट इज द बेस्ट पार्ट। नो, क्योंकि जो आपको फ्लाइट रेट्स ऑफिशियल वेबसाइट में या कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट में दिखता है उसे अलग अलग वेबसाइट में या फिर अलग अलग बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पर आपको फ्लाइट बुकिंग्स के ऑप्शन मिलते हैं, सब में आप चेक कीजिए, कहीं कहीं पर आपको बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड में या फिर डेबिट कार्ड में या फिर कोई स्पेसिफिक कार्ड में या फिर UPI ट्रांजेक्शन में अच्छा ऑफर मिल सकता है, या फिर कभी कभी आपके मेल में बहुत सारी चीज़ें आप परचेस करते हैं तो आपको एक कूपन वगैरह मिलते रहते हैं, तो उन सब वेबसाइट्स में जाइए या फिर उन सब डील्स जो भी आपके पास है उन्हें आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप फ्लाइट बुक कीजिए। तो इससे आपको क्या होगा कि जो नॉर्मल रेट है उससे भी आपको एडिशनल कभी 2%, कभी 5%, कभी फिक्स 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़, इस तरीके का अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। सो इस तरीके से ये है कुछ रूल्स जिन्हें आपको ध्यान रखना है फॉर द चीपेस्ट फ्लाइट टिकट बुकिंग, नॉट ओनली फॉर थाईलैंड बट फॉर एनी डेस्टिनेशन। और इसमें भी सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, 1.5 महीने का मिनिमम आप गैप रखिए आपके ट्रैवल प्लानिंग में और आपके एक्चुअल ट्रैवल में, तभी आपको थोड़ा डिसेंट रेट मिल सकता है फ्लाइट का। अब देखते हैं कि अगर आपको थाईलैंड का ट्रिप प्लान करना है तो सबसे चीपेस्ट फ्लाइट जो है आपको कौन से सिटीज से और कौन कौन से एरियाज से मिल सकता है। तो देखिए, इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले हो गया कोलकाता, कोलकाता से आपको सबसे चीपेस्ट फ्लाइट मिल सकता है। उसके बाद इसी तरफ आ जाता है आपका गुवाहाटी, देन भुवनेश्वर, उसके बाद और थोड़ा नीचे आए तो आपको विशाखापट्टनम, चेन्नई और जो भी ईस्टर्न पार्ट्स में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं यहाँ से आप सबसे पहले ट्राई कर सकते हैं अगर आपको चीपेस्ट फ्लाइट सर्च करना है। तो ये कुछ एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें आप नोट करके रखिए और जब आप फ्लाइट सर्च कर रहे हैं हो सके तो इन एयरपोर्ट से सबसे पहले सर्च कीजिए, देख लीजिए क्या प्राइसिंग रहता है, उसके बाद रिलेटिवली आप देख सकते हैं कि आपके जो नियर बाय सिटीज है, मेजर सिटीज है, वहां से फ्लाइट के क्या प्राइसिंग है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि 7,000 से 7,500 रुपए के रेंज में आपको इंडिया से थाईलैंड का चीपेस्ट फ्लाइट मिल सकता है, तो आइए इसे आप लाइव देख लेते हैं कि ये आपको कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन में बहुत सारे फ्लाइट रेट स्कैनर्स अवेलेबल है, तो आप कोई भी एक वेबसाइट में जाके फ्लाइट की जो रेट्स है उसे आप स्कैन कर सकते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर है स्काई स्कैनर, मैं आपको स्काई स्कैनर पे ले जाता हूँ और यहाँ पे ये है इनका मेन इंटरफेस जिसपे आप देख सकते हैं फ्लाइट्स है, होटल्स है, कार हायर भी है। तो इसमें सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे फ्लाइट्स और इसमें फ्रॉम में आपको कोई स्पेसिफिक सिटी नहीं देना है, आप दे दीजिए इंडिया, इंडिया के किसी भी सिटी से। हमें पहले देखना है कि फ्लाइट कहाँ से चीपेस्ट है, सो आई टाइप इंडिया और उसके बाद 2 में आप थाईलैंड दे दीजिए, कोई स्पेसिफिक सिटी वहां का भी मत दीजिए, जैसे बैंकॉक हो गया, फुकेट हो गया, ऐसा मत दीजिए, थाईलैंड लिख दीजिए, तो ये पूरे थाईलैंड में जहां पे भी आपको चीपेस्ट फ्लाइट मिल रहा है वहां का ये सर्च करके बताएगा। देन डिपार्ट वाले टैब में अगर आप आते हैं तो यहां पर आपको वन वे सबसे पहले
सिलेक्ट कर लेना है। आपको रिटर्न फ्लाइट नहीं देखना है, सबसे पहले हम वन वे का सिंगल पर्सन का फ्लाइट देख लेंगे कितना होता है। अब इसमें अगर डेट की बात करूं तो दो ऑप्शन है, स्पेसिफिक डेट आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपके अगर डेट फ्लेक्सिबल है तो आप फ्लेक्सिबल डेट पे जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि फ्लेक्सिबल डेट्स में अगर आप देखते हैं तो आपको चीपेस्ट फ्लाइट मिल सकता है, सो आई विल सेलेक्ट फ्लेक्सिबल डेट। अब इसमें आपको पूरा ये मंथ दिखाएगा, मार्च अप्रैल मई ऐसे करके। तो जैसा कि ये फरवरी का थर्ड वीक है तो मैं आज से डेढ़ महीने के बाद का अगर मैं फ्लाइट देखना चाहता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल मुझे चाहिए होगा फ्लाइट, तो मैं अप्रैल का महीना सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये कितने लोगों के लिए, तो सबसे पहले सिंगल पर्सन का मतलब वन एडल्ट इकोनॉमी क्लास हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन व्हेन यू प्रेस सर्च, इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपको बैंकॉक के फ्लाइट्स दिखा रहा है 6,109 रुपए में, होटल भी ये आपको साथ साथ दिखाते चलता है। देन यू हैव क्रावी जो 7,800 लगभग 8,000 के रेंज में दिखाया जा रहा है, उसके बाद फुकेट है, चांगमाई है, चांगराई है, सुरथानी है, इस तरह के अलग अलग जगह के आपको ये चीपेस्ट फ्लाइट जो भी अवेलेबल है इस पूरे अप्रैल मंथ में ये आपको दिखाया जा रहा है। इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, ये आपका डायरेक्ट फ्लाइट है कि वन स्टॉप फ्लाइट है, ये भी आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो बैंकॉक का चीपेस्ट फ्लाइट दिखा रहा है 6,109 रुपए का, प्लस ये डायरेक्ट फ्लाइट भी बता रहा है। तो अगर हम बैंकॉक वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं और अंदर जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कोलकाता से सबसे सस्ता फ्लाइट आपको दिखाया जा रहा है 6,109 रुपए में। देन यू हैव भुवनेश्वर फॉर 7,254, उसके बाद गुवाहाटी भी एक ऑप्शन है इसी रेंज में, देन विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, इन सब जगहों से आपको 8,000 से 8,500 रुपए के रेंज में फ्लाइट दिख रहे हैं। तो अगर मैं जो कोलकाता का सबसे चीपेस्ट ऑप्शन दिखाया जा रहा है इसके अंदर अगर जाके फ्लाइट्स एक्चुअली मैं चेक करूं तो यहां आप देख सकते हैं 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 19 अप्रैल, ये सब में आपको 6,888 का फ्लाइट प्राइस है जो लोएस्ट प्राइस है, और 28 अप्रैल को आप देख सकते हैं ये आपको दिखा रहा है 6,172 रुपीज। तो ये मुझे सबसे चीपेस्ट फ्लाइट लग रहा है। बट इस तरह से जैसा मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आपको 8,000-9,000 के अगर सारे फ्लाइट्स हैं और अचानक बीच में आपको 5,000-6,000 में एक फ्लाइट मिल जाए तो ये ट्रैप हो सकता है। तो इसके अंदर हम जाके देखते हैं कि इसमें चेक इन लगेज वगैरह कितना है और कैबिन लगेज कितना है। तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूं तो मुझे स्क्रॉल डाउन करना है जो 6,000 वाला फ्लाइट था, तो ये आप देख सकते हैं 6,110 रुपए में ये फ्लाइट है एयर एशिया का, कलकत्ता से डीएमके मतलब डॉन मुएंग एयरपोर्ट है। बैंकॉक में दो एयरपोर्ट है, एक है सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जो ये बीकेके वगैरह दिखा रहे हैं, ये सुवर्णभूमि एयरपोर्ट का कोड है और डीएमके कोड है डॉन मुएंग एयरपोर्ट का। तो ये एयर एशिया जा रहा है कोलकाता से डॉन मुएंग बैंकॉक, और ये अगर मैं और अंदर जाता हूँ तो ये मुझे yatra.com में रिडायरेक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ से आपको ये बुकिंग मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 kg दिखाया जा रहा है। 0 kg का मतलब है आपका चेक इन लगेज 0 है, इसमें आपको सिर्फ एक हैंड लगेज जो 7 kg का यहाँ पे लिमिट होता है यही आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो इस तरीके का आपके पास ट्रैप हो सकता है अगर आपको बहुत ज्यादा लोएस्ट प्राइस मिलता है, तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद अगर मैं अगला ऑप्शन देखूं तो कलकत्ता से मुझे जो अगला चीपेस्ट फ्लाइट मिल रहा है ये है स्पाइसजेट का जो 8,109 रुपए का है, ये भी डायरेक्ट फ्लाइट है। और इसके अंदर अगर मैं घुसता हूं और देखता हूं तो यहां पे आपको 7 kg कैबिन बैगेज और 20 kg चेक इन बैगेज दोनों दिखा रहे हैं, बट दिस इज फॉर 8,000 रुपीज। लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं कलकत्ता के बदले में जो बाकी और प्लेसेस है इसमें मुझे भुवनेश्वर का दिख रहा है इससे भी कम रेट में जो है 7,254। तो अगर मैं भुवनेश्वर से और अंदर जाकर डिटेल में फ्लाइट सर्च करता हूं तो ये आप देख सकते हैं 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, 18 अप्रैल, इन सब डेट्स में आपको 7,335 का रेट दिखाया जा रहा है लोएस्ट प्राइस, और ये बेस्ट प्राइस आपको दिखाया जा रहा है इस डेट पे जो है 7,255, 7,255 रुपए का। तो मैं इस पर्टिकुलर डेट को सेलेक्ट करता हूं और जैसे मैं इसके अंदर जाता हूं ये आप देख सकते हैं इंडिगो का ये फ्लाइट है जो भुवनेश्वर से बीकेके मतलब स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, बैंकॉक का ये स्वर्णभूमि एयरपोर्ट का कोड है, यहां तक का ये फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट है रात के 10:40 में मतलब लगभग 11 बजे का फ्लाइट है। तो इसको अगर मैं बुक करना चाहूं तो आप देख सकते हैं मेक माई ट्रिप से, क्लियर ट्रिप से, अलग अलग जगहों से यही सेम प्राइस में आपको ये चीजें मिल रही है। तो आपको जो भी साइट रीजनेबल लगे उसके अंदर आप जाइए और अंदर जाके आप एक बार और क्लियरली चेक कर लीजिए। देखिए इसमें भी आपको 7 kg का कैबिन बैगेज और 20 kg का चेक इन बैगेज का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये इसका 7,255 फाइनल प्राइस है आफ्टर ऑल टैक्सेस, सरचार्ज एंड ऑल द अदर चार्जेस एंड इवन आफ्टर द डिस्काउंट। इन्होंने ऑलरेडी यहाँ का बाय डिफॉल्ट एक कूपन कोड लगा दिया है जिससे आपको ये 699 का डिस्काउंट मिल चुका है। अगर आपके पास इसके अलावा और कोई कूपन कोड है जिसमें आपको और फर्दर डिस्काउंट मिल सकता है तो आप ये कूपन कोड हटा के आप अपना कूपन कोड भी लगा सकते हैं, इससे आपको और अच्छे ऑफर्स और अच्छे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं।
तो इस तरीके से 7255 का मैंने आपको ये लाइव दिखा दिया। अगर आप चाहें तो इससे आप बुक कर सकते हैं। और आप जब बुकिंग के लिए अंदर जाते हैं और पेमेंट वाले पेज में आते हैं, वहाँ आपको कभी कभी और थोड़े फर्दर डिस्काउंट मिल सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के कुछ स्पेसिफिक बैंक पे, या फिर वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड के कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन पे, जिसमें आपको एडिशनल और 1-2% 5% का डिस्काउंट अगर मिल जाए तो आपको ये फ्लाइट 7255 से भी नीचे के रेट में लगभग 7000 के अंदर भी मिल सकता है। तो इस तरीके से आप एक 7000 रुपये या फिर 7500 रुपये के रेंज में वन वे पर पर्सन इंडिया से थाईलैंड का इजीली फ्लाइट बुक कर सकते हैं, अगर आप इस चीज को वेल प्लान करें, एडवांस में प्लान करें और सही तरीके से इस बुकिंग को प्लान करें। तो हमारा भी जो फ्लाइट था ये भुवनेश्वर से ही था, और यही वाला फ्लाइट था जो मैं आपको डेमो में दिखाया था, और ये मुझे अप्रोक्सीमेटली पड़ा था 7200 रुपीस के आसपास, यही रेट पड़ा था। तो मेरा जो एक्चुअल टिकट था वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये था मेरा टिकट इंडिगो का 6C1065 जो 2 फरवरी का था, और ये था भुवनेश्वर से बैंकॉक तक का। और मेरी वाइफ का था ये वाला 2nd टिकट। और इसी तरीके से जो रिटर्न हमारे फ्लाइट्स थे वो थे 6C1066 जो था 10 फरवरी का, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था ये 5:45 का, जो हमें 7:05 पे भुवनेश्वर लैंड करवाया। और इसका भी कॉस्ट मेरा अप्रोक्सीमेटली 7 से 7500 रुपया पर पर्सन का था। और आपको अब ये जो प्राइसिंग मैंने बताया इस पे आप श्योर शॉट कंफर्म हो जाए, इसके लिए मैं आपको इनवॉइस भी दिखा देता हूँ मेरा जो बुकिंग था उसका। तो ये है मेरा इंडिगो का इनवॉइस फ्रॉम भुवनेश्वर टू बैंकॉक का। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो टोटल अमाउंट ये बता रहा है 14,414 रुपीज। ये 2 लोगों का टिकट है, बिलिंग में आपको एक ही नाम दिख रहा होगा, बट बिलिंग में एक ही पर्सन का नाम होता है, बट ये 2 लोगों का टिकट है टोटली फ्रॉम भुवनेश्वर टू बैंकॉक का है ये। और ये आपका पर पर्सन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाता है 7,207 रुपया, और टोटल ये आपका आ रहा है 14,414 रुपीज। तो मैं आपको ये मेरे टिकट्स और जो इनवॉइसेस वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो, क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे पहले के वीडियोस में जैसे मालदीव्स के फ्लाइट के रेट्स हो गए और बाकी जगहों के लिए भी, मैं जब चीपेस्ट फ्लाइट या फिर चीपेस्ट कुछ चीज़ बताता हूँ तो लोगों को कभी कभी यकीन नहीं होता है, लोग बोलते हैं कि ये तो फेक है और हमें तो ये 12,000, 9,000, 10,000 ऐसे रेट मिल रहा है, तो ये रेट तो हो ही नहीं सकता है। इसके लिए मैं आपको ये वीडियो में सारे चीजें प्रूफ के साथ बताया हूँ ताकि इस तरह के मुझे कमेंट ना आए, और ये चीजें रियल है, बिल्कुल फेक नहीं है। और अभी इस पॉइंट में इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको भी आज से 1-1.5 महीने के बाद का फ्लाइट देखना है तो जाकर चेक कीजिए, आपको भी लगभग इसी टाइप का प्राइस रेंज मिलेगा। तो आप इस तरीके से एक चीपेस्ट फ्लाइट बुक कर सकते हैं इंडिया से थाईलैंड के लिए, इफ यू प्लान इट इन ए प्रॉपर वे with a basic fundamentals that I have shown in my video. तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से एक ओवरऑल जानकारी मिल गई होगी कि इंडिया से थाईलैंड के लिए या फिर कोई भी अदर कंट्री के लिए चीपेस्ट फ्लाइट कैसे सर्च करें, कैसे उसमें बुक करें, कहां कहां से आपको चीपेस्ट फ्लाइट मिल सकता है और इसके एक्चुअल रेट्स क्या हो सकते हैं, ट्रैप्स वगैरह आपको कहां पर मिल सकता है, उसमें ना फंसे उसके लिए क्या करना है, और बाकी और भी डिटेल्स। तो इसके अलावा आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए चीपेस्ट फ्लाइट बुकिंग के बारे में या फिर आपके अपकमिंग थाईलैंड ट्रिप के बारे में, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ट्रैवल यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ऑन दिस नोट करते इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड, और मैं आपको एंड स्क्रीन में यही पर थाईलैंड टूर सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट लिंक दे रहा हूँ। ये डायरेक्ट लिंक है, अगर आप थाईलैंड का प्लान कर रहे हैं तो ये लिंक आप क्लिक कीजिए और यहाँ जाकर सारे वीडियोस को चेक कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही डिटेल में थाईलैंड के ट्रिप के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे इसी थाईलैंड टूर सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।